हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, पहले बेहोश थे, 70 साल से इन्हें होश में लाया, अब जोश में आ गए हैं। और जोश की देन है कि हमें उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए मनोनीत किया गया कि जहाँ से काला कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा गया, इनका तालघाट नदी आरक्षण छीना गया था, उस विधान जहाँ कानून बनाने का विधान परिषद है वहाँ इनको पुनः कानून बनाकर इनका आरक्षण देना, इनका तालघाट नदी वहाँ भेजा, उसके लिए इन्होंने सम्मान समारोह रखा। चूँकि गाजीपुर एक क्रांतिकारी धरती है, कभी राम ने गंगा को पार उतारा था, भगवान राम को निषाद राज ने, और कभी हमारे लोग गुस्से में आए थे तो इसी गंगा नदी में और मुगलों अंग्रेजों को मौत का घाट उतारा था। तो ये हमारे क्रांतिकारी साथियों ने यहाँ सम्मान समारोह रखा हुआ, उसके लिए मैं आया हुआ हूँ 2022 की तैयारी। सर निश्चित रूप से जनता ने परिवर्तन किया ना, 30 साल इन्हें दिया था, जो अपना परिवार न संभाल पाता हो, अपना घर न संभाल पाता हो, जो डॉक्टर संजय भी 1 साल उनके साथ रहे, जो हमें न संभाल पाता हो, एक ऐतिहासिक विजय दिया था 2018 गोरखपुर फूलपुर कैराना नूरपुर, उसे संभाल न पा रहा, उन्हें टिकट न देना जो मुख्यमंत्रियों को, तो ऐसी विजय कि हाथी लाठी 786 यादव मुसलमान जिसको टिकट दिया था, 5 वोट इकट्ठा हुआ था 2019 में, तो फिर हम निषाद पार्टी के 18% वोट है जो झगुआ भर रोड पर पौआ के लिए भी लगाया था, इसमें निषाद पार्टी के लिए भी लग गया, मोदी जी के साथ खड़े हो गए, तो जय निषाद राज और जय श्री राम नारा पहुंच गया दिल्ली में। 2022 में निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, ये NDA घटक है, इसमें और भी दल आ रहे हैं, NDA जितना सीट निर्धारित किया उससे ज़्यादा सीट दिखाएंगे, जिस नाव में नाविक रहता है ना उसे नैया पार करता, उसे कभी डूबने नहीं देता। उसे जब राम के पास सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, राम और निषाद राज गले मिले तो शांति आई थी, और जब जो है राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, तो जय श्री राम तो गया ही, निषाद जय निषाद राज भी आ रहा। 2022 में इस प्रदेश की सत्ता NDA के हाथ में होगी, और 2 जून की रोटी छीनने वाली सरकारों को हटाया गया है, इनके रोटी कपड़े छीने उन्हें मिल जाए, उनकी आवाज़ निषाद पार्टी है, और उस आवाज़ को जिनके 2 जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं, मकान नहीं है, बिना भेदभाव के है। पहले क्या होता था इनकी सरकारों में कि नीतियाँ, कोई भी वैकेंसी आती थी बाद में लिस्ट पहले आ जाती थी, कैसे भेदभाव होते थे, कोई भी योजना आती थी लिस्ट पहले आती थी, बिना भेदभाव के माननीय मोदी जी भेज रहे हैं, बिना भेदभाव के। इस बार हमारे बिरादरी के दर्जनों SDM और तहसीलदार और BDO हुए हैं, हम CO हुए हैं, हम कैसे कह सकते हैं, जब पारदर्शिता हुआ तब हुए हैं। इस पारदर्शिता की देन है कि 2022 की सरकार NDA की बनेगी, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय के साथ।